एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप सभी का साउथ सिटी पीसीएमबी चैनल पर। और इसके पहले भी हम लोगों ने मेटलर्जी पढ़ा था, जो इसका प्रीवियस वीडियो था उसमें आपने देखा था मेटलर्जी। और मेटलर्जी में मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑल द प्रिंसिपल्स एंड ऑल द प्रोसेस विच आर इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स, कैसे धरती की खुदाई करके और उसमें से हम खनिज पदार्थों को निकालते हैं और उनमें से अयस्कों को निकालते हैं, खनिज मतलब मिनरल्स, और मिनरल्स से कैसे हम लोग ओर्स निकाल के लेके आते हैं। और हमने उसमें बताया था कि मिनरल्स क्या होते हैं, तो मिनरल्स आर द नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेज ऑप्टेन फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, ऐसा मैंने बताया था। फिर मैंने कहा था मिनरल्स में से ही हम लोग ओर को फाइंड आउट करते हैं, ओर को निकाल के लेके आते हैं। तब मैंने आपको बताया था कि ऑल द ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल द मिनरल्स आर नॉट ओर्स, सारे ओर्स तो मिनरल्स होते हैं पर सारे मिनरल्स ओर्स नहीं होते हैं। उसके बाद जब हम लोग ओर्स को देख लिया था तो ओर्स के बाद में उसके टाइप ऑफ ओर्स आ गए थे हमारे सामने, और हमने कहा था कि चार टाइप के ओर्स होते हैं हमारे, फोर टाइप ऑफ ओर्स आर नोन टू अस, जिसमें से मेनली ऑक्साइड ओर्स था। क्या था? ऑक्साइड ओर। उसका एग्जांपल मैंने आपको बताया था, हेमेटाइट बताया था, और इसके अलावा आप लोगों को बॉक्साइट बताया था। फिर हमारा जो सेकेंड ओर था वो सेकेंड ओर मैंने आप लोगों को कार्बोनेट ओर बताया था, कार्बोनेट ओर जो हमारा कैलामाइन विच कंटेन CO3। फिर उसके बाद मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था सल्फाइड ओर का, जैसे कि हमारे सामने HgS सिनाबार था, ठीक है, ZnS जिंक सल्फाइड से जिंक ब्लेंड कहते हैं, ये था। उसके बाद हमने हैलाइड ओर का एग्जांपल दिया था, कार्नालाइट KCl.MgCl2.6H2O, हमने आपको सोडियम हैलाइड दिया था, CaF2 फ्लोरस्पार दिया था, ये सब एग्जांपल थे किसके, हैलाइड ओर्स के। तो हम लोगों ने देखा था मेटलर्जी क्या होती है, और उसके बाद मेटलर्जी में मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल से ओर्स कैसे निकाल के आते हैं, ओर्स टाइप्स कौन कौन से होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग कंसंट्रेशन पे आ रहे थे कि कंसंट्रेशन ऑफ एन ओर कैसे होता है, ये भी प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, उसे कंटिन्यू करना है हम लोगों को, ये हमारा सेकंड पार्ट है, इसका पहले फर्स्ट पार्ट रिलीज हो चुका है। तो कंसंट्रेशन ऑफ एन ओर में हमने कहा था कि जो टाइप ऑफ ओर्स थे, जैसा जिसका नेचर है वैसे उसको हम प्योरीफाई करेंगे और उसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो उसमें चार मेथड्स थे, पहला मेथड था हमारा हाइड्रोलिक वॉशिंग, क्या था, हाइड्रोलिक वॉशिंग। दूसरा हमारे सामने था मैग्नेटिक सेपरेशन, तीसरा हमारे सामने था फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, और चौथा था केमिकल सेपरेशन मेथड, जिसे हम लोग लीचिंग कहते हैं। तो बात जब आती थी हाइड्रोलिक वॉशिंग की, तो हाइड्रोलिक वॉशिंग या ग्रेविटी सेपरेशन मेथड जिसे हम लोग बोलते हैं, ये हैवी ओर्स के लिए होता है, जैसे आयरन ओर्स के लिए या टिन ओर्स के लिए, फॉर एग्जाम्पल हेमेटाइट, ठीक है, हेमेटाइट के लिए, या फिर टिन के जितने भी ओर्स, कैसेटराइट, ठीक है, इनके लिए हमने इस्तेमाल किया था हाइड्रोलिक वॉशिंग। और इसमें क्या था, मैंने आपको बताया था कि एक जेट स्ट्रीम ऑफ वाटर इज बीइंग थ्रोन ओवर द ओर, तो इम्प्योरिटीज जो लाइटर होती हैं वो फ्लू अवे बाय द वाटर, और जो हैवी ओर्स होते हैं दे लेफ्ट बिहाइंड, ठीक। और इस तरीके से हम लोग ओर्स की सफाई करते हैं। ओर्स की सफाई करने का मतलब है कि जो उसमें धरती की बलुही गंदगी लगी होती है वो साफ हो जाती है, दैट मीन्स गैंग और मैट्रिक्स इज बीइंग रिमूव्ड बाय द वाटर। सेकेंड वाज मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन में कुछ ऐसा मैंने आपको बताया था कि जैसे ये दो आपके सामने देख रहे रोलर है, इसमें ये वाला जो है दिस इज ए मैग्नेटिक रोलर, ठीक है, और इसके ऊपर एक कन्वेयर बेल्ट लगी हुई है, ठीक, दिस इज द कन्वेयर बेल्ट, ठीक। यहां पर ये हॉपर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, हॉपर, हमने ओर्स को क्रश करके यहां पे डाल दिया। ये ओर जो होना चाहिए मैग्नेटिक ओर होना चाहिए, ये हमारी कन्वेयर बेल्ट है जो ऐसे मूव कर रही है, दिस इज नोन एज कन्वेयर बेल्ट, कन्वेयर बेल्ट, ठीक। अब क्या होता है, पाउडर ओर जब इसके ऊपर आता है, ये मैग्नेटिक ओर है और ये आगे की तरफ बहता है, तो यहां पर ये स्टैंड के थ्रू, ठीक है, लगे होते हैं। अब क्या होता है कि यहाँ पे जब ओर्स आता है तो जो नॉन मैग्नेटिक ओर्स हैं वो तो यहीं गिर जाते हैं, या नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज, और जो मैग्नेटिक ओर्स हैं वो यहाँ आकर गिरते हैं, और इस तरीके से यहाँ पे एक हीप या पाइल या ढेर सा लग जाता है, और यहाँ पर इम्प्योरिटीज का ढेर लग जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज द मैग्नेटिक रोलर, ये कौन सा रोलर था, मैग्नेटिक रोलर था, और ये कौन सा था, ऑर्डिनरी रोलर था, क्या था, ऑर्डिनरी रोलर, ठीक। तो मैग्नेटिक सेपरेशन का जो प्रिंसिपल है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लास 10th में तो है ही है, क्लास 12th में भी है, इस चैप्टर का नाम है जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स, उन दोनों में बताया गया है अबाउट द मैग्नेटिक सेपरेशन। और इसमें बताया गया है कि वंस द मैग्नेटिक ओर हैज बीन टेकन, इट मस्ट बी पाउडर्ड, उसको पाउडर कर देंगे, ठीक है, एंड देन विद द हेल्प ऑफ हॉपर, जिसे कुप्पी कहते हैं आप लोग, ठीक है, उसमें डाल देंगे, फिर ये बेल्ट ऐसे मूव करेगा ऑन द मूवमेंट ऑफ द रोलर, और ये जब मूव करते हुए आएगा तो इम्प्योरिटीज यहीं गिर जाएगी और मैग्नेटिक जो ओर्स हैं वो यहाँ आके गिरेंगे, एंड इन दिस वे द मैग्नेटिक ओर्स आर बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम देयर इम्प्योरिटीज, वो अपनी इम्प्योरिटीज से सेपरेट हो जाएंगे। तो ये मैग्नेटिक ओर्स के लिए होता है, फॉर एग्जांपल मैग्नेटाइट, जैसे Fe3O4। फिर बात आती है फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड की, किसकी आती है, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड की। फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड बहुत सिंपल था, उसमें कुछ ऐसा नहीं है,
दिस इज मेनली फॉर द सल्फाइड ओर. ये किसके लिए होता है? सल्फाइड ओर के लिए होता है. उसमें इस तरीके से एक बॉक्स होता है, ठीक है, उसमें एक रोटेटिंग पैडल लगाते हैं, ठीक, इधर से हॉट एयर ब्लो करने के लिए एक पाइप लगाते हैं, और इसके अंदर हम देख पा रहे हैं एक लिक्विड लेते हैं जिसमें पाइन ऑयल होता है, पाइन ऑयल मिक्स्ड विथ वाटर, ठीक. इसमें सल्फाइड ओर्स भी हम लोग डाल देते हैं, सल्फाइड ओर्स, ठीक है. टर्पेंटाइन ऑयल का भी यूज़ करते हैं, ठीक है. जेंथेट क्रिस्टल्स भी ऐड करते हैं हम लोग स्टेबलाइजर्स के फॉर्म में. तो फिलहाल इसको हमने ऐड किया. अब उसके बाद क्या हुआ, ये रोलर जो है ये टर्न, ये स्टार्ट किया मूवमेंट, ठीक है. तो ऐसे में क्या होता है कि इसमें फ्रॉथ का फॉर्मेशन होने लगता है, ठीक है. फ्रॉथ का, ये जो फ्रॉथ का फॉर्मेशन होता है, तो होता क्या है कि सल्फाइड ओर पार्टिकल्स आर स्टिक्ड बाय द फ्रॉथ. जो सल्फाइड ओर के पार्टिकल्स होते हैं ये फ्रॉथ में चिपक जाते हैं, ठीक है. एंड इम्प्योरिटीज आर सेटल डाउन एट द बॉटम. इम्प्योरिटीज कहाँ आती है? बॉटम पे आती है, नीचे आती है. तो इस तरह से फ्रॉथ फॉर्मेशन प्रोसेस इज ऑलवेज यूज फॉर द सल्फाइड ओर. पहले तो ये सल्फाइड ओर्स के लिए यूज किए जाते हैं. और सेकेंड थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि द प्रिंसिपल on which this process being based, that either the sulfide ore or the impurities, any one must be wetted by the water and the other must be wetted by the oil. And in this way, जो sulfide ore है वो froth के साथ ऊपर correct हो जाता है, जिसको बाद में हम remove कर देते हैं, और impurities नीचे settle down हो जाती है bottom में, ठीक है. तो ये sulfide ores के लिए था. इसके बाद आता है हमारा chemical separation method. Chemical separation method is for specific elements like aluminium, silver, etc. इन सब के लिए होता है. इसमें Baer's process भी होता है जिससे हम aluminium को separate करते हैं. तो बेसिकली अगर हम पूछते हैं कि केमिकल सेपरेशन क्या है, तो जैसे होता क्या है ना कि जैसे मान लो चीनी है, चीनी में भूसा भी मिला हुआ है थोड़ा सा, और हम उसको मिल्क में मिक्स कर रहे हैं क्योंकि भूसे को हम सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं. तो हमने क्या किया, चीनी को दूध में घोल दिया, और उसके बाद जब देखा तो चीनी तो सॉल्युबल है लेकिन जो हस्क पार्टिकल है, जो भूसा है, वो सॉल्युबल नहीं हो रहा है. तो उसको हमने छान के अलग कर दिया. इन द सेम वे आइदर द ओर और द इम्प्योरिटीज, एनी वन मस्ट बी केमिकली सॉल्युबल. ओर या इम्प्योरिटीज में से किसी एक चीज को केमिकली सॉल्युबल होना जरूरी है. ये बेसिकली हमारा क्या होता है, केमिकल सेपरेशन मेथड. दिस इज ऑल्सो नोन एज लीचिंग. ये एक तरीके से लीचिंग भी होता है, ठीक. तो लीचिंग जो प्रोसेस है बेसिकली क्लास 12th में आता है, जिसमें लीचिंग ऑफ गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, कैसे हम उसमें साइनाइड पॉइजन डाल के और कैसे उसको सेपरेट आउट करते हैं, लीच्ड आउट करते हैं. खैर फिलहाल अभी हमारे लिए इतना ही सफिशियंट है क्लास 10th के लेवल से. फिर अब जब हमारे पास ये ओर आ गया जो कंसंट्रेटेड ओर है, उस कंसंट्रेटेड ओर को हम लोग मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने आ रहे हैं. किस में कन्वर्ट करने आ रहे हैं? मेटल ऑक्साइड में. क्यों? क्योंकि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इससे फर्क नहीं पड़ता. आप जेंट्स हो, लेडीज हो, इससे फर्क नहीं पड़ता. फर्क इससे पड़ता है कि आप 18 साल के अगर हो तभी आप अपने वोट को दे सकते हो, वरना आप वोट नहीं दे सकते हो. आप कितने भी जानकार हो, कितने भी एजुकेटेड हो, कितने भी लिटरेट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. और अगर आप 18 के ऊपर हो तो आप इलिटरेट हो, अनएजुकेटेड हो, किसी भी कास्ट से हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आप वोट कास्ट कर सकते हो, बस आप उस पार्टिकुलर कंट्री के नागरिक हो. इन द सेम मैनर आप सल्फाइड ओर हो, कार्बोनेट ओर हो, हैलाइड ओर हो, ठीक है, लेकिन जब तक कि आपको ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा तब तक आपसे मेटल को एक्सट्रैक्ट नहीं किया सकता है. तो दैट्स वाई द मेन प्रोसेस दैट एनी टाइप ऑफ ओर मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड फॉर्म. किसी भी तरह का ओर हो उसको उसके ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है. और उसके लिए हम जनरली दो प्रोसेस लेते हैं. एक लेते हैं रोस्टिंग और दूसरा कैल्सिनेशन. रोस्टिंग इज डन फॉर द सल्फाइड ओर एंड कैल्सिनेशन इज डन फॉर द कार्बोनेट ओर. लेट अस सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन. रोस्टिंग हम कह सकते हैं हीटिंग ऑफ सल्फाइड ओर. हीटिंग ऑफ सल्फाइड ओर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, फॉर एग्जाम्पल ZnS प्लस O2 गिव्स ZnO प्लस SO2, ठीक है. लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था आपको, प्रीवियस वीडियो में भी, कि रोस्टिंग क्या होता है, हीटिंग ऑफ सल्फाइड ओर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू कन्वर्ट इट इनटू इट्स ऑक्साइड फॉर्म अलॉन्ग विद द लिबरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. सल्फर डाइऑक्साइड जो निकल के आ रहा है वेस्ट नहीं होगा, दिस विल बी यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. सिमिलरली कैल्सिनेशन, हीटिंग ऑफ कार्बोनेट ओर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के एब्सेंस में, फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया जिंक कार्बोनेट कैलामाइन, हीट कर दिया, ठीक है, यहां पर भी हीट कर दिया था, तो ये क्या बन गया, जिंक ऑक्साइड अलॉन्ग विद द लिबरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करके उसे क्या किया है, ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है. अब
हमारे पास जो मेटल ऑक्साइड आ गया है उसको हमें मेटल में कन्वर्ट करना है. सो रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल, दिस इज द थर्ड स्टेप. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा था कंसंट्रेशन ऑफ एन ओर या फिर बेनिफेक्शन ऑफ एन ओर या सिंटरिंग. सेकेंड जो हमारा था कन्वर्जन ऑफ ओर इंटू इट्स मेटल ऑक्साइड. थर्ड स्टेप हमारा है रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इंटू मेटल. इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रिडक्शन बाई कोक. ठीक है, हम लोग कोक से ही किसी भी मेटल ऑक्साइड को कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे जेड एन ओ है और जेड एन ओ के सामने हमने सी लगा दिया तो सी ओ बन गया, साथ में जिंक बाहर आ गया. सेकेंड स्टेप हमारा है रिडक्शन बाई कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड इज ऑल्सो गुड रिड्यूसिंग एजेंट. बाई यूजिंग कार्बन मोनोऑक्साइड वी कैन ऑल्सो रिड्यूस द वेरियस मेटल ऑक्साइड्स. कई सारे मेटल ऑक्साइड्स को हम लोग मेटल में कन्वर्ट कर सकते हैं बाई यूजिंग कार्बन मोनोऑक्साइड. तो कई बार एक क्वेश्चन भी आता है क्लास 12th में कि आउट ऑफ सी एंड सी ओ विच इज ए बेटर रिड्यूसिंग एजेंट. एक क्वेश्चन आता है आउट ऑफ सी एंड सी ओ विच इज ए बेटर रिड्यूसिंग एजेंट एट 673 केल्विन. तो दिस कैन बी नोन बाय द यूजिंग ऑफ एलिंगहम डायग्राम. लेकिन यहां पर हम एलिंगहम डायग्राम नहीं, अभी आप क्लास 10th का लेवल है तो वेरी इजिली बहुत आसानी से आप लोग क्या कर सकते हो, बस आप CO. जनरली ऐसे केसेस होते हैं जहां पर मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स के लिए हम कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड का इस्तेमाल नहीं करते हैं. ठीक, रिडक्शन बाय हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के थ्रू भी हम कई सारे मेटल्स को रिड्यूस कर सकते हैं. और इसके बाद हमारा आता है फाइनली इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन. ठीक है, तो इसे होता क्या है कि बहुत ही लो रिएक्टिव मेटल है तब तो उसको ऑर्डिनरी हमने हीट कर दिया, हीट करके ही अलग कर दिया. थोड़ा सा ज़्यादा जिद्दी टाइप का मेटल है, ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है तो उसके लिए हमें कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन या कोई सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा. और हाईली रिएक्टिव मेटल है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है और उसने ऑक्सीजन को पकड़ रखा है और उसे छुड़ाना है तब तो बिजली का झटका देना पड़ेगा ना. दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इज बीइंग यूज्ड या इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन इज बीइंग यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ सच टाइप ऑफ मेटल्स विच आर हाईली रिएक्टिव. ठीक है, तो जब अगर आप लोग बुक देखोगे उस पर फ्लोचार्ट देखोगे तो उसमें पाओगे कि मेटल्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज, हाईली रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव एंड लो रिएक्टिव. तो जो हाईली रिएक्टिव होते हैं उनके लिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का यूज होता है. एंड फाइनली वंस यू विल गेट द मेटल, एक बार जब आपके पास मेटल आ गया तो हमें उसका क्या करना है, प्योरीफिकेशन. ठीक है, विदाउट प्योरीफिकेशन वी आर नॉट एबल टू यूज द मेटल्स इन वेरियस पर्पजेस. ठीक है, तो इसके लिए हमें अलग अलग कैटेगरी के मेटल्स चाहिए होते हैं. जैसे आयरन में देखिए आप लोग, कास्ट आयरन होता है, राउट आयरन होता है ना, अलग अलग. तो राउट आयरन है तो कोई मैलिएबल आयरन है, कोई ऐसा है. तो हमें कैसा चाहिए, हमें नल बनाना है या हमें आयरन के रेलवे ट्रैक्स बनाने हैं या हमें ब्रिजेस बनाने हैं या हमें नेल्स बनानी है, तो उसी की स्ट्रेंथ के हिसाब से हमको मेटल चाहिए. तो प्योरिटी वाले मेटल्स चाहिए तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग. क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग. और उसके बाद में फाइनली हमारे पास जो मेटल्स आते हैं उनको हम लोग एलॉयज बनाते हैं. क्या बनाते हैं, एलॉयज. एंड एलॉयज आर द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स और नॉन मेटल्स. इनमें से कई बार एग्जाम में पूछे आते हैं कि एमलगम क्या होता है, व्हाट इज एमलगम. तो एमलगम इज एन एलॉय ऑफ मरकरी. ये किसका एलॉय होता है, दिस इज एन एलॉय ऑफ मरकरी. फॉर एग्जाम्पल जेड एन एच जी, सी डी एच जी, एन ए एच जी, ये दिस इज नोन एज जिंक एमलगम, कैडमियम एमलगम, सोडियम एमलगम. ये टीथ की फिलिंग में भी काम आते हैं, इसके अलावा भी कई जगह यूज होते हैं इनका. तो फिर ऐसा में हम लोगों ने देखा अभी आपके सामने कि कैसे कैसे ओर्स को हम लोगों ने कंसंट्रेट किया है, उसके बाद कैसे उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया है, फिर कैसे मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट किया है, कैसे प्योरीफाई किया है और फाइनली हम लोग एलॉयज पे आ रहे हैं. तो दीज आर द वेरियस स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन द मेटलर्जिकल प्रोसेस या इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स. तो आई थिंक आपको ये वीडियो बड़ा अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा और आपकी मेटलर्जी की जो प्रॉब्लम्स होंगी वो क्लियर हो गई होंगी. अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो देखेंगे उसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग पर देखेंगे कि आखिर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होता कैसे है. तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो का वेट करते हैं और हम उस वीडियो में आपको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के बारे में बताएंगे. आप बने रहिएगा और इसको शेयर करिएगा जहाँ तक हो सके और आप लाइक करिएगा ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए हम नए नए वीडियोज़ बनाते रहें. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.